नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज हम आपको दिल्ली की दो तस्वीरें दिखाने वाले हैं। एक तस्वीर देख के आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन दूसरी तस्वीर देखकर शायद आप मायूस भी हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत मैं पहली तस्वीर से करूंगा। पहली तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सड़क है एकदम आपको दिखेगी यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है वो पूरे करती है ये सड़क। इसमें आपको एक चकाचक रोड 4 लेन का, उसके बाद फुटपाथ है और जो सर्विस रोड है वो एकदम चकाचक मिलेगी। आप फुटपाथ देखिए, इतना बेहतरीन फुटपाथ जो आपको विदेशों में देखने को मिलता है, दिल्ली में शायद नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये दिल्ली में है और ये जगह है दिल्ली से बहादुरगढ़ यानी कि हरियाणा क्रॉस करते हुए बहादुरगढ़ ये सड़क जाती है, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी तक ये सड़क ऐसे ही बनाई गई है। इस सड़क में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये बोर्ड देखते हैं, दिल्ली सरकार, इस पर लिखा हुआ है साइकिल ट्रैक है। आगे देखेंगे तो फूलों की क्यारी लगाई हुई है, ऊपर देखेंगे तो चकाचक लाइट, हरे संतरी सफ़ेद रंग की बेहतरीन दिखने वाली लाइट है। मेट्रो का पुल देखेंगे तो चकाचक पेंट हुआ है, कलरफुल एकदम लग रहा है। उसके नीचे वो आप देखेंगे कि बैठने की व्यवस्था की गई है और लोग वहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं। तो ये सड़क आपको दिखा रहा हूँ जो कि अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार है वो ये कहती है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो सड़कें हमने बनाई है वो यही सड़क है। लेकिन ये जो सड़क है ये सड़क महज 500 मीटर की है, यानी कि सिर्फ 500 मीटर में ही इस सड़क को डेवलप किया गया है। इसके बाद की जो सच्चाई है वो थोड़ी सी इससे अलग है। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि इस सड़क की आप सर्विस लेन देखिए, ये इसकी सर्विस लेन है। इतनी बेहतरीन आपको सर्विस लेन दिखेगी इसकी कि शायद ही दिल्ली में कोई सर्विस लेन इस तरीके की हो जिसमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है। आगे देखेंगे तो ये जो ट्रैक है ये ट्रैक भी आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, ये भी सिर्फ यहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सड़क है 500 मीटर की, इसके बाद जो सड़क शुरू होती है वहाँ से असली कहानी शुरू होती है। और वो जो कहानी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में विकास का क्या हाल है। ये गार्ड साहब हैं, आप यहीं ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ सर। इसी सड़क को देखते हैं आप? हाँ सर। अच्छा, कितने गार्ड लगे हुए हैं आप? 4 गार्ड है सर। 4 गार्ड लगे हुए, तो इसी स्ट्रेच की ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, वो वाली साइड। अच्छा, वो स्ट्रेच की, मतलब पूरे स्ट्रेच को देखने के लिए 4 गार्ड लगाए हुए हैं। तो ये सिर्फ इतना ही है, 500 मीटर का स्ट्रेच ही है ये सर? कम से कम अच्छा, वहाँ तक है। तो इतना ही बना ये? हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो सड़क दिल्ली सरकार बात कर रही है वो ये सड़क है, और इसी की तर्ज पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में सड़कें बन रही हैं। लेकिन जो हकीकत है इस सड़क के बाद शुरू होती है, क्योंकि आगे हरियाणा का बॉर्डर है, वो भी हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ सड़क की हालत कैसी है। ये तस्वीर आपने देखी, बहुत चकाचक सड़क है और एकदम बढ़िया आपको लग रहा होगा, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही होगी। चलिए, तो ये आपने एक पहली तस्वीर मैंने जो दिखाया था जिसमें चकाचक सड़क थी, फुटपाथ चकाचक था, साइकिलिंग ट्रैक था, बढ़िया लाइटें लगी हुई थी, सर्विस रोड चकाचक थे, फुलवारी लगी हुई थी दोनों तरफ सड़कों के। अब हम उसी सड़क का जो ये 500 मीटर का हिस्सा है उसको क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आए हैं। यहाँ एक भाई साहब भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले। क्या नाम है भाई साहब? रुपेश शर्मा सर। रुपेश, ये जो सड़क बनी हुई है, बड़ी चकाचक यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़क बनी हुई है, ये इतनी है बस 500 मीटर की? सर, ये तो बस दिखाने के लिए है, इतना बस छलावा है, आपके सामने ही है। तो यहाँ से ये जो है मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, ये 150 कदम होगा सर। 150 बस, इतने दूर देखिए आप, पेंट भी आपको सामने दिख रहा है मीटर में, और इधर भी बस इतने दूर है। और पता नहीं क्या कर रखे इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है पब्लिक को। अच्छा। हमारे खुद समझ नहीं आ रहे जो ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर दिए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे की सारी टूटी हुई है? आगे सर, आगे भी टूटा हुआ और पीछे भी टूटा हुआ है। अच्छा, सिर्फ इतना बना रखा है,
पब्लिक को समझ नहीं आ रही यहाँ क्या हो रखा है और इसके पीछे आगे क्या हो रखा है। ठीक है चलिए, पहले हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा दें थोड़ा तरीके से, ताकि आपको समझ आए कि ये जो 500 मीटर का स्ट्रेच चकाचक था उसके बाद की जो हकीकत है वो थोड़ी सी कड़वी हकीकत है। ये ख़त्म हो चुका है ये 500 मीटर का स्ट्रेच, अब उसके बाद देखिए आप, अब ये शुरू हो गया है, ट्रैक गायब हो गया है, साइकिल का जो ट्रैक है, फुट पैदल चलने वालों का जो ट्रैक है वो गायब हो गया है, नाला खुला हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से ये है वो पीछे जो आपको दिखा था साइकिल ट्रैक और फुटपाथ, वो ये है, आपको शायद नज़र नहीं आएगा। अब आ जाइए, वो जो चकाचक एक सर्विस लेन थी, वो चकाचक सर्विस लेन अब आपको ऐसे दिखेगी। तो ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप वो 500 मीटर का स्ट्रेच देखकर भ्रमित ना हो और उसके आगे की जो हकीकत है वो भी देखें कि किस तरीके का यहाँ पर विकास जो है बॉर्डर पर है, क्योंकि ये दिल्ली की मेन एंट्री है। जो भी हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है तो सबसे पहले जो इम्प्रेशन बनता है दिल्ली में घुसने का वो यहीं से बनता है। तो जब वो शख्स दिल्ली के अंदर एंटर करेगा तो उसको इसी तरीके की सर्विस लेन, इसी तरीके के फुटपाथ, इसी तरीके से जो नाले हैं वो नालों के ढक्कन खुले हुए और ये झाड़ियाँ जिनमें इसी तरीके से ना तो कोई फुलवारी, जैसे पीछे आपने चकाचक देखी कि फुलवारी और बड़े बड़े पिलर, अच्छी अच्छी लाइटें भी गायब हो गई हैं यहाँ पर। दिल्ली सरकार के विकास की दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, उसी दूसरी तस्वीर का ये एक और हिस्सा है, ये है टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन। यहीं से राजधानी दिल्ली अब शुरू हो गई है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वो जो चकाचक पीछे सड़कें थीं, डिवाइडर था, उसके साथ में जो साइकिल ट्रैक था, फिर सर्विस रोड थी, वो ख़त्म हो गई हैं। अब ये डिवाइडर कुछ ऐसा हो गया है, ये राजधानी शुरू हो गई है दिल्ली की और ये डिवाइडर कुछ ऐसा हो गया है। पीछे जो एंट्री है, देखिए एंट्री की जो अप्रोच है दिल्ली की टिकरी बॉर्डर से, वो कुछ ऐसी है। गाय माता बैठी हुई हैं, इनको देखकर यही कहा जा सकता है गाय हमारी माता है, एमसीडी को कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये काम एमसीडी का है इन गायों को इनकी जगह पर, ठीक जगह पर पहुंचाना। कई बार ये भी होता है कि ये गाय सड़क पर आ जाती हैं और हादसे भी हो जाते हैं इनकी वजह से। अब दिखाते हैं हम दिल्ली, राजधानी दिल्ली का जो एंट्री पॉइंट है उसकी एक और तस्वीर। रोड पार कर लेते हैं, रोड पार करने के बाद आपको दिखाते हैं कि अब किस तरीके का विकास है यहाँ पर। दिल्ली की मशहूर शिकंजी बिक रही है, 12 मसालों से तैयार की जाती है ये शिकंजी। अब इसके साथ में देखिए आप, वो जो सर्विस रोड पीछे हमने आपको दिखाई थी ना, ये उसी का पार्ट है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। ये दिल्ली का टिकरी बॉर्डर का एंट्री पॉइंट है जो हरियाणा की तरफ से सड़क आ रही है। गंदा पानी भरा हुआ है, आगे देखिए सर्विस रोड गायब है, पानी ही पानी है गंदा। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, ये ऑटो स्टैंड है यहाँ पे। विकास देखिए आप, किस लेवल का विकास हो रहा है राजधानी दिल्ली के बॉर्डर। ये जो यहाँ पर ये पानी भरा रहता है, ये ऐसे ही भरा रहता है? दो तीन साल हो गया इसका तो, दो तीन साल हो गए। ये पीछे तो बड़ा चकाचक सड़कें बनी हुई हैं, साइकिल ट्रैक ले, सर्विस रोड लो। लॉकडाउन के बाद तो अब आया हूँ मैं। अच्छा, बाहर से आए हो। चलो इनसे बात करते हैं, ऑटो वालों से। ये बताओ मित्र, ये हालात ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर? ऐसे ही रहते हैं। तो ये पीछे तो बहुत बढ़िया सड़क वड़क, सर्विस रोड भी बना दिया, साइकिल ट्रैक भी बना दिया, फुलवारी भी लगा दी। ये निजामपुर कट से लेके मेट्रो तक ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहता है? हाँ। तो पीछे क्या सिर्फ दिखाने के लिए? पता नहीं। हाँ? पता नहीं है। ये तीन साल से आप कह रहे हो कि ऐसे ही है? हाँ। ठीक है, ये राजधानी दिल्ली का एंट्री पॉइंट है? यही है। देश की राजधानी है ये। हाँ? ठीक है चलिए, देश की राजधानी। हाँ, ये उंगली दिखाने से थोड़ी ना चीजें होती है। ये बताओ, सुनो ये बताओ, ये जो
गंदगी फैली हुई है, ये ऐसे ही है क्या? ये जवाब देगा ना एमसीडी वाला, ये जवाब देगा, 5 सालों से फैली हुई है भाई साहब ये तो। 5 सालों से तो अब आम आदमी पार्टी की कोई कार्रवाई नहीं है, बॉर्डर ऐसे ही रहेगा और हमेशा ऐसे ही रहा। मेरे को 25 साल हो गए यहाँ रहते और जब से ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। पीछे तो चकाचक सड़क है, पीछे कुछ नहीं है, यहाँ का ऐसे ही रहता हमेशा। थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा सा आगे जाओ तो बढ़िया एकदम सड़क चकाचक बनी हुई है। सर वो बात आपकी ठीक है, चकाचक बनी, पर यहाँ पर ना थोड़ा सा ही पानी हो, यहाँ घुटने तक पानी लग जाता है इसका, ऐसे ही है। 5 साल कोई कुछ नहीं करता, आते हैं थोड़ा बहुत काम करवाते हैं और वही काम ठप। तो दिल्ली में तो विकास वाली सरकार काम कर रही है तब भी नहीं हो रहा, सारे चोर हैं, कोई विकास वाला काम नहीं है। अच्छा, सारे चोर हैं वही, ये तो कह रहे हैं कि सारे चोर हैं। बड़ा निराशा है, निराशा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं उसको देखकर तो हर कोई यही कहेगा कि भाई जिस तरीके से भाई साहब ने कहा। चलो यहाँ दुकान है, कई सालों से होगी ये दुकान, इनसे भी पूछते हैं। ये पुल हमने पार कर लिया है, पुल पार कर लिया है गंदे पानी का, क्या हाल है सर? बढ़िया सर। ये बताओ, ये टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन है, हरियाणा से जब एंट्री करते हैं लोग तो दिल्ली में इसी बॉर्डर से करते हैं, बहादुरगढ़ की तरफ से अगर आए तो। ये जो अप्रोच है राजधानी दिल्ली की, इसको लेकर क्या है, मतलब ऐसे ही विकास, इसे ही विकास कहते हैं क्या? ये कूड़ा तो ऐसे रहता है, बहुत दिन से नहीं हुआ यहाँ, यह पानी भी हर समय भरा रहता, नहीं खाली होता है, नहीं करता कोई, नहीं सर, नहीं पानी भी नहीं निकलता, पानी भी हर समय रहता, कई साल से पानी भर रहा, 3-4 करते हैं, और वो कभी हफ्ता में महीना में एक आध दिन में एक आध बार निकलता, निकल गए बन गया। जिस हिसाब से करना चाहिए इसको, नहीं है ना सफाई होती है ना यहाँ पानी निकलता है। तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो तो कह रहे हैं बहुत विकास किया है हमने दिल्ली में, तो उनके नेताओं के पास जब जाते हैं तो क्या कहते हैं वो कहो कुछ भी, लेकिन यहाँ तो नहीं है विकास, यहाँ नहीं दिखाई देता। जहाँ आदमी तो मैंने आदमी तो यहीं से बॉर्डर से पहले घुसता है ना, लेकिन यहाँ कभी भी यहाँ पानी नहीं रुकता, यहाँ हर समय पानी भरा रहता है यहाँ। ठीक ठीक ठीक। जैसे बीजेपी और कांग्रेस ये कहती रहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल दूसरे प्रदेशों में जाकर दिल्ली के विकास की बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली को ढंग से नहीं संभाल पा रहे, तो क्या वो इन्हीं सड़कों को देखकर कहते हैं क्या? सर यहाँ पे तो है नहीं काम, ये और यहाँ को हम कह नहीं सकते, लेकिन ये टिकरी बॉर्डर पे जो ना इतने बीच में कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर में, यहाँ तो कहीं भी नहीं है काम, कहीं भी नहीं है, नहीं यहाँ। ठीक है, चलिए, लोगों में गुस्सा भी है इसको लेकर, क्योंकि आगे की तस्वीर आप देखेंगे ना तो आपको खुद शर्म आ जाएगी कि देश की राजधानी की जो अप्रोच है वो इस तरीके की अप्रोच है। क्या संदेश यहाँ से दिल्ली की सरकार देना चाहती है वो समस्या पर है, क्योंकि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की चर्चा सब करते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स की जो एंट्रेंस है उसको लेकर कोई बात नहीं करता, ना कोई खबर आती, ना कोई उसके बारे में चर्चा होती। तो आज हम इसीलिए ये सब दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि मन जो है वो ख़राब होता है जब देश की राजधानी में एंट्री करते हैं और इस तरीके की गंदगी हम देखते हैं, तो उससे मन ख़राब होता है। जो मैसेज जाता है यहाँ से कि क्या हम ऐसी राजधानी दिल्ली को दे रहे हैं जिसमें गंदगी है, लोग इस तरीके से रह रहे हैं, फुटपाथ गायब हैं, टॉयलेट की आप हालत देख लीजिए, ये सड़क है मेन रोड, बस स्टैंड गायब है, सड़क पर लोग बस पकड़ने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे? नहीं जी। तो ऐसी धूप में खड़े होकर बस का इंतज़ार कर, ऐसे करना पड़ता है। तो ये गंदगी जो है ये इसी तरीके से है? पता नहीं, हम तो अभी आए यहाँ तो लोकल में है, बाहर से आए। कहाँ से आए हो? हम आए जी मथुरा से। मथुरा से आए हो, तो देश की राजधानी में जब घुसे हो आप, हाँ। तो क्या दिखा आपको? गंदगी दिखी, कुछ धूप है और कुछ व्यवस्था नहीं, अच्छी नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है। बढ़िया तो हमारा मथुरा है, पीने के लिए पानी है, बैठने के लिए सुविधा है, पेड़ हैं, छाए हैं, मंदिर हैं, यहाँ मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, आप यहीं के हैं क्या? कहाँ से आए हो? यहीं दिल्ली से ही है सर। दिल्ली से हो? हाँ। ये ऐसे ही रहता है? ये ऐसे ही रहता है जी। ऐसे ही रहता है। सरकार कुछ कर नहीं रही इसको? सरकार अभी तक तो कुछ नहीं कर रही, काफी टाइमों से हम देख रहे हैं इसको। अच्छा, ठीक है, चलिए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से ही हो? हाँ जी। तो ये जो गंदगी पड़ी है दिल्ली के एंट्रेंस पे, इसको देख कर बुरा नहीं लगता? लगता है, क्या कर सकते हैं सर, सरकार सफाई करवा रही नहीं थी इसकी, लेकिन आज से थोड़ी है, आज 1 साल से लगातार गंदगी पड़ी यहाँ पे, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। ये बस स्टैंड भी, ये देखिए आगे खड़े हुए, क्या करें, मजबूरी है। ये देखिए आगे क्या, कितना कचरा पड़ा है, पूरे गंदगी कर रखी है, और उधर आगे देखिए सारा गंदा पानी भरा पड़ा है। आप लोग दिल्ली से हो या बाहर से हो? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से? बाहर से भी है कोई? ना, हरियाणा से हो? हाँ जी। हरियाणा से जब दिल्ली में घुसे तो ये सब देख के बुरा नहीं लगा? बुरा तो लगता ही है, क्या करें, ना कोई स्टैंड है, ना कोई गाड़ी का वो है, कोई वो नहीं है, बस स्टैंड भी नहीं है। बस स्टैंड भी नहीं है, ठीक है, खड़े होकर टाइम पास करना पड़ रहा है।
बराना माटी हो रही है सबकी। 42 डिग्री का टेम्परेचर है, 42 डिग्री के टेम्परेचर में बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए, ऐसे ही खड़े होते हैं महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब ऐसे ही खड़े हैं बिना बस स्टैंड के। आप भी यहाँ से हो? हाँ दिल्ली से आते हैं, डेली आते हैं जी इधर। डेली आते हैं? हाँ डेली आना जाना जी। कहाँ से आते हैं? हम इधर से आते हैं, पीरगढ़ी से आते हैं। पीरगढ़ी जाते कहाँ? जाते फिर इधर बाधुगढ़ सदर से। हाँ जी हाँ जी। तो ये ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत साल से है बल्कि। बहुत साल से। और ये जो पीछे जो चकाचक सड़कें बनी हुई थी, हाँ जी हाँ जी, पीछे इससे थोड़ा सा आगे, हाँ वो 500 मीटर का, हाँ जी हाँ जी, वो वहीं पे है जी, कई दिन से वहीं पे बनी है बस। अच्छा। उससे आगे ना पीछे जी, उसी को दिखाते रहते हैं, उसी को दिखाते रहते जी, हमने बस ये वो बना दिया। देखो हम यहीं खड़े होते हैं, यहाँ देखो इधर देखो सामने बिल्कुल, चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक महिला भी है, इनसे बात करते हैं। माता जी, बहन जी, एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं पहले? मैं सर यहाँ से नहीं हूँ, यूपी से हूँ। मतलब यूपी से है ना आप? ये देश की राजधानी का एंट्रेंस है, यहाँ से ये हरियाणा का बॉर्डर है और ये यहाँ से लोग अंदर घुसते हैं, दिल्ली में एंट्री करते हैं, देश की राजधानी है ये। तो जब आप राजधानी के अंदर एंटर करते हो और ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं तो बुरा नहीं लगता? हाँ लगता है बिल्कुल, आज देखा तो मुझे तो खराब लगा। खराब लगा बिल्कुल। बस स्टैंड भी नहीं है यहाँ पर? हाँ कुछ भी नहीं है, आप देखिए ना कैसे शेड भी नहीं बना रखा, सारे लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए, गंदगी इतनी हो रही है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। आप यहाँ पर धूप में खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ तो देश की राजधानी है, बस स्टैंड भी नहीं है? खड़े हैं, जाना है यहाँ से, आएंगी बसें तभी जाएंगे, पर गंदगी है क्या करें, इतनी गंदगी थोड़ी ना होनी चाहिए, साफ सफाई है देखो कैसे ये रह रहे हैं। हम तो थोड़ी देर के लिए खड़े हैं, ये तो बहुत देर के लिए है, ये तो यही रहते हैं, और देखो वहाँ पे वो सोने लग रहा, वो देखो कहाँ यहाँ से छोड़ के वो वहाँ पे सोने लग रहा है, तो देखो कैसा क्या हाल है। तो वही मतलब क्या मैसेज देना चाहती है सरकार, राजधानी दिल्ली में जब लोग एंटर करें तो एक राजधानी की फीलिंग आनी चाहिए। आनी चाहिए बिल्कुल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का बस स्टैंड, वहाँ के फुटपाथ, वो दिखने चाहिए। लेकिन दिख क्या रहा है आपको? दिख गंदगी दिख रही है और क्या दिखेगा, वो तो सबको दिख रहा है गंदगी है और क्या, मच्छर पनपेंगे, बीमारियाँ होंगी और क्या है, यही चीज है। ठीक है चलिए। तो दिल्ली की हमने दो तस्वीर दिखाई विकास की आपको, एक भाई साहब भी लेटे हुए डिवाइडर पर, इनको भी दिखा देता हूँ, इन पर नजर मेरी अभी पड़ी है, आ जाओ। क्या हाल है सर? अरे काका कैसे, बड़ी नींद ले रहे हो? रैन बसेरे में क्यों नहीं सो जाते, या फुटपाथ पर आपकी जान को खतरा नहीं है? ना ना ये दिन में बैठे आई थे, हाँ। वहाँ रात में तो सो जाते हैं, वहाँ दिन में आ गए, वहाँ बहुत गर्मी होती है इसलिए यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, तो रैन बसेरे वगैरह नहीं लगा रखी सरकार ने यहाँ पर? जी रैन बसेरा कहीं नहीं, अपनी झुग्गी झोंपड़ी में यहीं गुजारा करना पड़ता, जमीन घर तो है नहीं। तो आप रोज सोते हो, प्रदूषण भी है, ट्रक भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, डर नहीं लगता? सोते नहीं यहाँ, दिन में बैठते हैं, हाँ रात में वहीं पे सोते हैं। आस पास पार्क वार्क नहीं है बैठने के लिए? ना नहीं है, नहीं है? ना। ठीक है चलिए। NH9 दिल्ली रोहतक रोड, मनीष कौशिक कार्यपालक अभियंता वेस्ट रोड 2, रामभज नेहरा सहायक अभियंता वेस्ट रोड 22, अमनदीप कंबोज कनिष्ठ अभियंता वेस्ट रोड 22। अब भाई ये तीनों अफसर जो हैं ये क्या घास छील रहे हैं, ये इस तरीके का विकास दे रहे हैं दिल्ली में राजधानी में, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है क्या? क्या ऐसे ही फुटपाथ होते हैं राजधानी में? क्या ऐसे ही पानी भरा रहता है, लोग खाट बिछा के डिवाइडर पर सोते हैं? अधिकारी सुन लीजिए, सरकार भी सुन लीजिए, ये जो दिल्ली को हाल पर छोड़ा हुआ है ना जी, इसको थोड़ा ठीक कीजिए, क्योंकि ये देश की राजधानी है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन गर्व करने के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।